हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको लाइडार कैप फॉर ब्लाइंड नेविगेशन के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो पीछे दिख रहा है आपको, ये मैं ही हूँ जिसने कैप पहन रखी है और ऊपर एक कैमरा लगा है। द सेम लॉजिक वी आर गोइंग टू अप्लाई ये ब्लाइंड लोगों के लिए, जो चलते वक्त जिनको आगे स्टिक लेके चलना पड़ता है, जिनकी विजुअल एबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, कम हो चुकी है, उनके लिए वाई नॉट टू यूज़ अ लाइडार। अभी लाइडार टेक्नोलॉजी आपने देखा होगा ऑटोनोमस व्हीकल्स में यूज़ होती है, जो कार को ऑटोनोमसली चलना बताती है। हाँ, तो कार में कैसे होता है, अपने आप स्टेयरिंग कंट्रोल होता है। यहाँ पे अपने आप स्टेयरिंग कंट्रोल नहीं होगा, तो इसके लिए हमने टेक्स्ट टू स्पीच यूज़ किया है, जो आपके कानों में इंडिकेटर देगा कि आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, जैसे कुछ है। हाँ, या फिर वो आपको बताएगा कितने डिस्टेंस पे ऑब्स्टिकल है, आप अपना देख लो। तो यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम का पार्ट जो है वो ह्यूमन ब्रेन है, ना कि आपका माइक्रो कंट्रोलर। सो इसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी हट जाती हैवी एंड जीपीयू रिक्वायरमेंट वगैरह हट जाती है। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दिस प्रोजेक्ट इज़। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने एक हेडफोन पहना हुआ है, पेयर ऑफ हेडफोन्स लगे हुए हैं मेरे कान में। इस इमेज में देख सकते हो यहाँ पे ये हेडफोन लगे हुए हैं, एक बैकपैक पहना हुआ है जो शायद इस इमेज में नहीं दिख रहा है, और ऊपर एक टोपी पहनी है जिसके ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है। तो ये कैमरा बेसिकली स्टीरियो कैमरा है, जो दो कैमरा का कॉम्बिनेशन होता है 6 सेंटीमीटर अपार्ट, जैसे आपकी आँखें होती है वैसे स्टीरियो कैमरा लगा रहता है और वो 3D व्यू देता है। तो ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट था, उस वक्त किया था, उस वक्त लाइडार वगैरह बजट के बाहर थे, बट नाउ लाइडार सिस्टम्स कॉस्ट इज़ कमिंग डाउन। रफली 10,000 तक ये लाइडार अभी अफोर्डेबल हो गए हैं, सो वन कैन बाय देम। वन टाइम बाइक के लिए 10,000 फिर भी थोड़ा ज़्यादा है, पर यस वी कैन थिंक ऑफ इट। सो कंसेप्ट गोज लाइक दिस, हियर यू कैन सी दैट दिस फेलो इज बेसिकली वेयरिंग अ कैप, ओके, देन ही इज वेयरिंग अ सेट ऑफ ईयरफोन्स। Then if you see that there is a connection between sensors and something like RPI हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये RPI जो है वो रास्पबेरी पाई करके बोर्ड होता है, उसका नाम है। देन यू हैव समथिंग लाइक बैग विच हैज़ ऑल द पावर सप्लाई एंड इवन इट हैज़ अ वाईफाई कनेक्शन एंड एवरीथिंग। सो बेसिकली लाइडार विल थ्रो अ लाइट, जैसे यहाँ पे एक सामने ट्री दिख रही है आपको, तो इस ट्री के ऊपर ये लाइट थ्रो कर रहा है, जो भी ऑब्स्टेकल होगा उससे वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है और आपको कितने डिस्टेंस पे वो चीज़ है ये पता चलता है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये उसका पूरा कंसेप्ट डायग्राम है, ऊपर लाइडार लगा हुआ है। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे कि डेवलपिंग अ लाइडार बेस्ड नेविगेशन सिस्टम इज़ वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव। तो एक कैब बनानी है, और अगर आप यहाँ पे देखना चाहोगे तो ऊपर जो लगा हुआ लाइडार है उसके नीचे हमने और एक सेंसर लगाया हुआ है जो शार्प आयर है, क्योंकि लाइडार एक डिस्टेंस मेजर करेगा, तो शार्प आयर जो है वो शॉर्ट रेंज डिस्टेंस साथ में मेजर करेगा। इट विल बी लाइक अ क्रॉस कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑल्सो। इट हैज़ अ रास्पबेरी पाई, द माइक्रो कंट्रोलर एंड टिल्टेड आयर, सो दैट ग्राउंड, मतलब अगर पॉट होल है लाइडार तो स्ट्रेट अवे डिस्टेंस मेजर कर रहा है, लेकिन नीचे कुछ खड्डा है तो वो भी मेजर करना है। सो उसके लिए हमने सेकेंडरी सेंसर लगाया है, वो एक तो स्टैटिक लाइडार हो सकता है या शार्प आयर हो सकता है। एंड एंड में ईयरफोन्स ऑब्वियसली टू एंश्योर दैट पर्सन इज हेयरिंग। नाउ दीज ईयरफोन्स मे नॉट गो डायरेक्टली इन टू द ईयर, इट कुड बी जस्ट सिटिंग ऑन अ कैप एंड लाउड इनफ सो दैट पर्सन को सुनाई दे। सम आउटकम्स फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट वी एक्सपेक्ट इज, फर्स्टली एक नॉवेल हैंड्स फ्री डिवाइस बनना है, सेकेंडली लॉन्ग रेंज ऑब्स्टिकल डिटेक्टर जिसकी वजह से हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ही पता कर ले कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, और उसका स्पीड भी अगर मेजर कर सके कि वो आपकी तरफ किस स्पीड से आएगा, सो आई कैन पॉसिबली डिफाइन कि कब कोलिजन होगा एंड आई कैन टोटली अलर्ट द पर्सन दैट देयर इज अ वेरी फास्ट ट्रेन कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, नाउ इट विल बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस बिकॉज इट्स अ केस स्टडी ऑफ अ एम्बेडेड सिस्टम, अ फिजिकल हार्डवेयर फर्स्ट टाइम। अभी लॉकडाउन की वजह से लोग हार्डवेयर वगैरह सब भूल चुके हैं, सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड ऑब्वियसली यू गेट अ हैंड्स ऑन टू एक्सप्लोर दिस लाइडार टेक्नोलॉजी। सो लेट अस ट्राई टू सी सम ऑफ द पार्ट्स। पावर बैंक विल बी देयर, अ माइक्रो कंट्रोलर, मे बी रास्पबेरी पाई 4 और एनी अदर माइक्रो कंट्रोलर, जैसे आपका एनवीडिया जेटसन हो गया, AGX हो गया, बोर्ड एनवीडिया का कुछ भी हो सकता है। देन यू नीड अ ऑन बोर्ड ADC फॉर सम ऑफ द सेंसर्स। रास्पबेरी पाई पे ADC नहीं होता, तो एक एक्सटर्नल ADC लग सकता है।
plastic container to hold everything. Then there will be a backpack inside which we put this the other unit that you can see over here. And then you have the cap and also sharp iron and all those things which I explained in the earlier slide. Now facilities we will be using or learning is basically all the electronic stuff, CROs, power supply, multimeters. Then we will be printing, 3D printing some of the stuffs to hold the cap properly with the LiDAR mounted and detachable everything. And then there will be a soldering station, SMD soldering station, computers to develop the algorithm software. So we will use all this GPU based computer kyunki deep learning hoga. And then these are some of the possible components what you can see. LiDAR hai, A1, M8, A2 bhi use kar sakte. You can look for the details. Then Raspberry Pi 4 graphics card jisme hai graphics memory, वैसे बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी एनवीडिया जेटसन का नाम लिया है. देन 32 GB माइक्रो SD कार्ड लगेगा टू स्टोर द OS. देन HDMI केबल फॉर इनिशियल प्रोग्रामिंग, पावर बैंक, ईयरफोन्स, देन केसिंग, पावर सप्लाई इटसेल्फ फॉर इनिशियल प्रोग्रामिंग अगेन, 3D प्रिंटेड टूल बॉक्स, देन ग्लू स्टिक्स, शार्प आयर सेंसर्स. यू कैन ऑल्सो से वी विल नीड अ हार्ड हैट टू माउंट एवरीथिंग ऑन, maybe a screen to initially do the programming. So these are all possible components that we might use. Now what are the expectations from you guys is, first you develop a system which uses machine vision, a camera, a stereo camera to detect the objects in front. It should able to tell ki samne ye camera hai ya fir aapka jo bhi samne object hai, book hai, you can do that. Secondly, a prototype hardware should be formed, actual hardware. And then my aim is to generate actual system out of it. So I will blindfold you, whomsoever is working in this project, make them wear the hat and ask them to walk. If they can do it on their own, then they have made a good product. Then text to speech software so that it can be multiple languages. And then LiDAR point cloud. So LiDAR generally gives a random data, but we have to make sense out of it. So these are the expectations from the intern. And with that, I will end this presentation. Thank you.